सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बाय टैप टेक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप फोन के बारे में, जो है S21। और इसके आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा। तो आज जो भी हम यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आपको बताएंगे, ये टोटली लीक और रूमर्स बेस्ड होने वाली है, तो हो सकता है आपको आने वाले फोन में ये स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे स्पेक्स की तरफ चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये सिर्फ रूमर्स हैं, हो सकता है आपको ये स्पेक्स आपके अपकमिंग स्मार्टफोन में देखने को मिल जाए। तो वो है, पहले 5G की बात करते हैं, तो आपको तीनों ही फोन में 5G देखने को मिलता है, और फिर ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिलेगा, और वाईफाई 6 तीनों ही फोन सपोर्ट करते हैं एक्सेप्ट S21 अल्ट्रा, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है वाईफाई 6E, जो कि क्लेम के अकॉर्डिंग जैसे कि बताया जा रहा है, ये वाईफाई 6 से दोगुना फास्ट होने वाला है। यानी आपको यहाँ पर एक सुपर फास्ट स्पीड देखने को मिलने वाली है वाईफाई की। ये तीनों ही फोन एंड्रॉइड 11 पर बेस होने वाले हैं, और इनके अंदर आपको सैमसंग की वन यूआई 3.0 देखने को मिलेगी आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो आपको S21 के अंदर 4000 mAh और S21 प्लस के अंदर 4800 mAh और अल्ट्रा के अंदर आपको 5000 mAh की एक ह्यूज बैटरी देखने को मिलती है। और अगर आप सैमसंग की वन यूआई 3.0 के फीचर्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 875 देखने को मिलता है, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हो किसी भी फ्लैगशिप लेवल फोन के साथ। पर अभी तक स्नैपड्रैगन 875 लॉन्च नहीं हुआ है, बट हाँ, जब तक ये फोन आएगा तब तक तो लॉन्च हो ही जाएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ फोनों में, या फिर आप कह सकते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर, यहाँ पर आपको सैमसंग के एक्सिनोस 2100 भी देखने को मिल सकता है। बट मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है कि कुछ कंट्रीज में तो वो स्नैपड्रैगन 875 के साथ लॉन्च करता है, और कुछ जगह पर अपनी इनहाउस चिप के साथ यानी एक्सिनोस के साथ लॉन्च करता है, जैसे कि लास्ट ईयर इसने किया था। लास्ट ईयर अमेरिका में S20 के साथ ही नहीं, वहाँ पर स्नैपड्रैगन 865 के साथ लॉन्च किया, जबकि इंडिया में अपने एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ। और मेरे ख्याल से तो ये बढ़िया होता अगर इंडिया में भी स्नैपड्रैगन के साथ लॉन्च करता। तो अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन की। तो सैमसंग खुद ही स्क्रीन मैन्युफैक्चर करता है, तो अपने फ़ोन में तो वो सुपर एमोलेड डालने वाला है। तो सैमसंग के तीनों ही फोनों में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है। और अगर बात करें स्क्रीन साइज़ की, तो सैमसंग के S21 में आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है, और S21 प्लस के अंदर आपको 6.8 इंच और अल्ट्रा के अंदर 6.9 इंच की स्क्रीन देखने को मिल सकती है। और ऐसे भी रूमर्स थे कि इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है विद अडैप्टिव डिस्प्ले देखने को मिलती है। और अगर बात करें अल्ट्रा वाले मॉडल की, तो इसके अंदर आपको स्क्रीन में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जैसे LTPO और WQHD। तो ये क्या होता है, तो WQHD का मतलब है वाइड क्वाड HD हाई डेफिनेशन। तो इसके अंदर आपको पिक्सल पर इंच ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू फुल HD प्लस डिस्प्ले के कंपैरिजन में। और LTPO होने की वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 1600 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलती है। इसका मतलब जब भी आप आउटडोर जाओगे यानी बाहर निकलोगे, तो उस टाइम पे अगर सूरज से जो भी रोशनी वगैरह के टाइम पे, दिन के टाइम पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, आपको एक अच्छी ब्राइट स्क्रीन देखने को मिलेगी। और फोन में एक और लीक थे कि इस बार जो हमारा अल्ट्रा है वो स्टाइलस को सपोर्ट करता है। स्टाइलस तो सपोर्ट कर रहा है, बट इनबॉक्स ही आपको स्टाइलस प्रोवाइड नहीं कराने वाले। तो ये क्या बात हुई भाई, ये तो एप्पल वाली बात हुई। चार्जर तो है, पर लेकिन आपको बाहर से लेना पड़ेगा, फास्ट चार्जर है बट बाहर से खरीदो। तो अगर हम बात करें इसके कलर कॉम्बिनेशन की, आपको कौन कौन से कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के कलर हैं। और इस बार तो फैंटम नाम सबके पीछे जोड़ दिया इन्होंने, फैंटम ग्रे, फैंटम सिल्वर वगैरह वगैरह, फैंटम वॉयलेट। तो देख सकते हो आप बहुत सारे कलर होंगे यहाँ पर। और उसके बाद बात करें इसकी बैग, तो इसके अंदर आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलती है, अगर मैं बात कर रहा हूँ S21 और S21 प्लस की। बट जब बात आती है अल्ट्रा की, तो इन्होंने चीज़ें थोड़ी सी बदल दी हैं, क्योंकि वो अल्ट्रा है तो इन्हें पीछे ग्लास भी होना चाहिए। और बाकी सारे फीचर जो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे वायरलेस चार्जिंग वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें तो कॉमन है ही। अब बात करते हैं इसके कैमरा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताएंगे S21 और S21 प्लस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही आपको सेम कैमरा देखने को मिलता है। 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, उसके बाद 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, और उसके बाद 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस। फिर अगर उसकी बात करें अल्ट्रा की, यानी S21 अल्ट्रा, इसके अंदर कैमरा कंपोजिशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, यानी चार कैमरे देखने को मिलते हैं। मेन कैमरे की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का ह्यूज मेन कैमरा देखने को मिलता है, फिर 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और 10 मेगापिक्सल के दो,
एक 3x ऑप्टिकल जूम और एक 10x ऑप्टिकल जूम। हाँ आप सही सुन रहे हो, ऑप्टिकल जूम, डिजिटल जूम नहीं है। अगर बात करें इनकी वीडियो कैपेबिलिटी की तो तीनों ही फोन 8K वीडियो शूट कर सकते हैं एट 30fps और 4K वीडियो शूट कर सकते हैं एट 60fps। और यहाँ पर आपको सैमसंग का एक नया फीचर, यानी अब आप दोनों कैमरे का यूज़ करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर फोटो ले सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो सैमसंग के अपकमिंग फ्लैगशिप फ़ोन के बारे में, और ये सब रूमर्स है और ऐसा हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें आपके अपकमिंग सैमसंग के फ़ोन में देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और अगर आप चाहते हो आपको ये ऐसी वीडियो, ऐसा मजेदार कंटेंट लगातार मिलता रहे तो प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। और अगर आपकी कोई सजेशन है या अगर आपके कोई सुझाव है हम अपनी वीडियो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, हम उस पर काम ज़रूर करेंगे।